तो दिस वॉज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ आर पी डब्ल्यू डी एंड एल्डर वोटर्स वी विल रीच टू दास्ट माइल मतलब पोलिंग स्टेशंस को इस जगह तक पहुँचाएंगे जहाँ लोगों को uh, सुविधा मिले जैसे लास्ट माइल के जो पोलिंग स्टेशन हैं फॉरेस्ट एरिया में जो भी नक्सल प्रभावित एरिया हैं या जो भी इनएक्सिविल एरिया हैं सब में हम अंदर तक जाएंगे जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपको दिखाए जा रहे हैं कि इन जगहों में भी हम जाके जहाँ कोई रिहेबलीटेशन कॉलोनी बन रही हैं या जैसे बलंगीर ब्लॉक का ही एक एग्जाम्पल है तो वहाँ जाके हम पोलिंग स्टेशंस को शिफ्ट करेंगे ताकि आपके द्वार तक पहुँचें और आप वोट देना दिस इज़ ऑल टू इन्श्योर दैट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन हैप्पी इन दी वोटिंग पीपल पार्टीसिपेट क्लोज़र टू देअर हाउस एंड इन दी एनवामेंट विच इज़ कन्ड्यूसिव एंड विच इज़ हेल्पफुल टू दैम जहाँ जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम थी वहाँ के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं जो कि हमारी स्टेट का जो वोटर टर्नआउट है यू नो इज़ 73.29 परसेंट लेकिन 23 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी ऐसी थी जिनका नेशनल जो वोटर टर्नआउट है 67 परसेंट उससे कम थी इसी प्रकार से 59 नाइन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज ऐसी थी जो 67 और 73 के बीच में यानी वो स्टेट एवरेज से नीचे हैं सो तो और आठ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें कि टर्नआउट स्टेट के टर्नआउट 73 परसेंट से नीचे था तो इन सब में एक विशेष प्रयास है कि कि इनमें हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोलते हैं टिप यानी टर्नआउट आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान वी आर गोइंग टू द लास्ट माइल आइडेंटिफाइंग ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव बीन आस्ट टू गो टू द लास्ट माइल मेक मोर एंड मोर रजिस्ट्रेशन एंड एन्श्योर दैट आफ्टर एडिंग दैम इन टू रोल दे ऑल्सो ब्रिंग दैम टू पोल डे सो रोल टू पोल दैट्स वॉट इज द दटेजी कमिंग नेक्स्ट टू द विजिलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस नाउ दिस वाज़ द फर्स्ट पार्ट नाउ वी आर कमिंग टू द प्रोसेस पार्ट एज टू हाउ वुड बी इंश्योर फ्री एंड हाउ वुड बी एन्श्योर दूसमेंट फ्री इलेक्शंस वायलेंस फ्री एलेक्शंस तो पहली तो नागरिकों को एक सुविधा और एक एम, एम्पावरमेंट हमने दिया है एनेबलमेंट हमने दिया है एक ऐप है हमारा सी विजिल यानी सिटीजन्स वी विजिलेंट आप अगर जागरूक हैं तो आप हमें बताइए कहीं अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है कहीं कोई पैसा बांटा जा रहा है कहीं कोई लीकर बांटा जा रहा है कहीं कोई बोटिंग के समय में परेशानी है तो आप हमें तुरंत से बताइए कैसे बताएंगे तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप हमें या तो टेक्स्ट लिख दीजिए या एक पिक्चर खींच के लिख दीजिए या किसी की बात आपने रिकॉर्ड की है वो करके भेज दीजिए वॉट विल हैपन द दॉन्गीड एंड लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू सेंड दैट मैसेज वो ऑटोमेटिक लेके हमारे सिस्टम में आ जाएगा और जो भी हमारी एस की टीम या पुलिस टीम बगल में होगी मजिस्ट्रेट की वो विद इन हंड्रेड मिनट्स आपके पास पहुँचेगी उस जगह पर पहुँचेगी जहाँ से वो मैसेज दिया गया है यानी और उसका नाम भी नहीं पता लगना अगर आप चाहते हैं किसी का नाम ना पता लगे एनोनिमस देना चाहते हैं वो भी कंप्लेंट तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आपके माध्यम से हम सभी नागरिकों को वोटर्स को ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन को फ्री फेयर इंड्यूसमेंट फ्री कराने के लिए कम शोर शराबे के साथ कराने के लिए आप भी अपना सहयोग दीजिए और अगर कोई भी शिकायत किसी भी तरीके की है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इसको डाउनलोड करिए भेजिए एंड विद इन हंड्रेड मिनट्स वी विल नो फ्रॉम वेयर यू हैव सेंड दैट मैसेज और हम वहाँ पहुँच के उसका निवारण करेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्या किया हमने हमने उसको सही पाया गलत पाया गलत सही पाया तो क्या किया सिमिलरली आईटी साइड में और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि वोटर्स को कंटिन्यूसली इस्तेमाल की जा सकती हैं हेल्पलाइन में आप अपना नंबर देख सकते हैं बूथ का अपना कार्ड देख सकते हैं अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो उससे डाउनलोड कर सकते हैं ई एपिक कार्ड आप आप आप, आप परिणाम देख सकते हैं वेबसाइट पे कोई रिसर्च करनी है हमारी वो देख सकते हैं अपने बी से कनेक्ट हो सकते हैं ऑल दिस इज़ पॉसिबल थ्रू वोटर हेल्पलाइन द सेकेंड सेट ऑफ आई टी एप्लीकेशन इज़ फॉर द कैंडिडेट्स एंड पोलिटिकल पार्टीज़ तो जैसे मैंने एक प्रश्न पहले कहा था हमसे उठाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि हो सकता है उन्हें सुविधाएं देर से मिले ना पहले मिले तो उसके लिए ये व्यवस्था सभी को डायरेक्शन दी गई है ऐसा नहीं होना चाहिए और ये इस पोर्टल में जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले परमिशन मिलेगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी अगर मैंने ग्राउंड मांगी किसी जगह में रैली करने के लिए मैंने पहले गाड़ियों की परमिशन मांगी एज ए कैंडिडेट तो वो किसी भी पार्टी के हो वो टाइम स्टैम्प्ड है यानी मैंने दो बज के मिनट पर ये आपसे सुविधा मांगी थी इस ग्राउंड को लेने के लिए किसी ने दो बज के चालीस मिनट पर मांगी तो मुझे पहले मिलेगी मेरी एप्लीकेशन पहले है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करती है वी एफ आज दी ओ ऑफिस टू ऑल्सो प्रोपोगेट दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ताकि कहीं से भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब ना हो और मोर देन वन पॉइंट वन टू एप्लीकेशन इन रिसेंटली हेल्ड फाइव इलेक्शन इतना उपयोग इसका बढ़ा लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो भी परमिशन मांगी इसी के थ्रू मांगी स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर लैंड करना है उनको ग्राउंड चाहिए गाड़ी चाहिए एडवर्टाइजमेंट uh, का मटेरियल चाहिए स्पीकर्स चाहिए लाउड स्पीकर चाहिए सबकी परमिशन इसी पर मांगी सो दिस इज़ अनदर थिंग देन अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इज अबाउट द नो योर कैंडिडेट वोटर को ये राइट right है कि वो जिसके पक्ष में डिसाइड कर रहे हैं वोट देने जाने का उससे पहले उस कैंडिडेट के बारे में उनको पता लगना चाहिए तो कैंडिडेट के बारे में एक एप्लीकेशन है नो योर कैंडिडेट के यू कैन सी ऑल द प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट्स उनकी पिक्चर के साथ में यानी यहाँ तक कि उनको क्या उनके एसेट्स हैं क्या उनकी लाइबिलिटीज हैं क्या उनका एफिडेविट्स है सब आपको एक जगह में देखने को मिलेगा दिस इज ऑल बिकॉज सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस और अगर किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है किसी भी कैंडिडेट का अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसको न्यूज़पेपर्स में टीवी में तीन बार पब्लिश करना पड़ेगा दैट मेरे ऊपर में ये ये केसेस हैं ये क्यों है ये इसलिए है कि वोटर को भी ये राइट है कि वो जान ले पहले इट्स एन इन्फॉर्म्ड चॉइस दैट द वोटर मेक्स आफ्टर नोइंग द कैंडिडेट इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ द प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन दैट वोटर शुड हैव ए फुलिसक्लोजर अबाउट द Candidates about the assets, about the liabilities, about the background of the candidate, so that he can make an informed choice. So, through you, we want to propagate this uh, particular app. This is also being used uh, across the states to know, and you will also feel happy seeing it. Please see it uh, once for yourself to know how impressive it is. Um, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग बी एव डन इज़ बी ए मेड इन एलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम ई एस एम एस हम लोग इसको बोलते हैं तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि कितनी सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मीटिंग करके हमने क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं वो सबके सब इस पर एनरोल होते हैं इस सिस्टम पर हमारे सी ओ साहब ने सबको एनरोल करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी एनरोल करने से क्या होगा ये मैं आगे बताता हूँ बट पॉइंट इज़ दैट अगर इनकम टैक्स ने कुछ किया ई डी ने कुछ किया स्टेट एक्साइज ने कुछ किया तो उस सबका सब इस पर रिपोर्ट होना है वी विल मॉनीटर सी ऑफिस विल मॉनिटर ऑन ए रियल टाइम बेसिस एस टू वॉट इज हैपनिंग इन द स्टेट. सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द दूसमेंट पॉसिबिलिटीज वेयर एवर इट एग्जिस्ट फ्रेंड्स अगर इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ ये एक्सेस होने वाला है तो बॉर्डर्स पर अगर हम जाए तो पंद्रह डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के जो बॉर्डर शेयर करते हैं चार स्टेट से और इन पर पुलिस की 118 और जीएसटी की 38 टोटल 156 टोटल 156 चेक पोस्ट फंक्शनल बनेंगी और फंक्शनल कर दी जाएंगी सुन क्यों इनको इन मैप में भी दिखाया गया है आपको इनको स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये कंबाइंड तरीके से काम करेंगी यानी जीएसटी एक्साइज पुलिस ट्रांसपोर्ट फॉरेस्ट सबके लोग मिल एक जगह में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बना के वर्क करेंगे ताकि कोई किसी का हक हाँ है देखना कोई किसी का हक़ हाँ है देखना इकट्ठे नहीं होते तो तो यही होता है कि मैंने तो अपना देखा आपका छोड़ दिया तो मतलब हर किसी को एक निकलने का रास्ता बनता है कि ये क्यों नहीं पकड़ा ये मेरा काम नहीं था नाउ सिंस एवरीबडी इज़ टुगेदर वाई आर यू नॉट सींग सो दिस स्टेट्स एवरी वन हैज़ बीन टोल्ड जी तबे तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलं तो नहीं